क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 3.8.3 इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वायर 2a इज एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a सॉल्यूशन 2a tan 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री व्हिच इंप्लाइज दैट वी नो दैट tan 90 minus a equal to cot a and cot 90 minus a equal to 10 तो यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे 2a है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इक्वल टू cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 which implies that cot and cot will cancel तो यहाँ पे ये cancel हो जाएगा 90 minus 2a equal to a minus 18 which implies that 90 अगर हम इसको इस साइड में लाएंगे ये पॉजिटिव बनेगा 18 ये इसको यहाँ पे लाएंगे तो 2a तो ट्रांसपोज करके नेगेटिव यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव बनेगा ये नेगेटिव यहाँ पे है जब इसको इस साइड में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा व्हिच इंप्लाइज दैट 9 एंड 18 इट इज 108 इज इक्वल टू 3a 2 एंड a व्हिच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3 3 3 9 3 6 18 देयरफॉर a इज इक्वल टू 36 तो ये लगे हमारे में निकाला था कि a होना चाहिए acute angle वायर 2a is acute तो यहाँ पे a हमारा निकल गया 36 डिग्री एंड 36 डिग्री इज आल्सो acute angle अगर हम 2a की बात करें तो यहाँ पे ये 2 into a it is 72 and 72 is also acute ना acute angle because acute angle is that angle which lies between 0 and 90 degree खुदा